ज्ञानवापी के जिन पन्नों पर धूल जमी थी उसे पलटा गया तो विवादों का बवंडर पैदा हो गया। ज्ञानवापी मामले में मामला वाराणसी से होते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। अब हाईकोर्ट के फैसले से लेकर वाराणसी जिला अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी यानी मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत से शुक्रवार यानी 30 जुलाई को परिसर के सील एरिया को छोड़कर एएसआई से साइंटिफिक सर्वेक्षण के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका में वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। ज्ञानवापी के सर्वेक्षण के फैसले का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया। जी देखिए, हमने ये कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है आज भी वहाँ पे हॉलो साउंड आ रही है, धब धब की आवाज़ आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है, तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहाँ पे भी आदि विशेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जाँच की बहुत ज़रूरत है। GPR सर्वे द्वारा उसकी जाँच की जाए। हमने कोर्ट को ये भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुँचाए हुए की जाए। वहीं फैसले पर सियासत भी दंदना कर शुरू हो गई। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। हम मनमानेपन के और एक तरफा तरीके से निर्णयों के खिलाफ, जो दूसरा पक्ष है वो इसके खिलाफ जो है, इस आदेश के खिलाफ जो है वो ऊपर की अदालत में जाने का की बात को कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। जबकि ज्ञानवापी कैंपस के सर्वे की खबर पर साधु संत समाज ने खुशी जाहिर की। बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे। सावन का महीना चल रहा है, पूरे देश में बम बम चल रहा है, काशी में भी बम बम होने जा रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ। शुरू से ही हम लोग कह रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे उस मंदिर परिसर को, मस्जिद में नहीं कहता हूँ, वो मंदिर परिसर है। हम लोग अंदर अपार खुशी है, उत्साह है, पूरे देश के लिए मंगल कामना। निश्चित ही आने वाले समय में सनातनियों की बहुत बड़ी जीत के रूप में यह सिद्ध होगा। जिस प्रकार से मुस्लिम पक्षकारों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विरोध जताया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि जल्द ही एक बहुलंबित समय का अंत होगा और ज्ञानवापी परिसर में पुनः सत्यम शिवम सुंदरम उकेर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर सुनवाई 28 जुलाई को पहले से तय थी, जिसमें कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन वाराणसी जिला अदालत के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे करने के आदेश के बाद इस पर जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के 31 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू पक्ष से जुड़ी 5 महिला श्रद्धालुओं की ज्ञानवापी परिसर में देवी श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा पाठ करने का अधिकार बहाल करने की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना। मुझे लगता है मुस्लिम पक्ष को भारतीय न्याय व्यवस्था में कोई भरोसा ही नहीं रह गया है, इसीलिए तो इन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चैलेंज किया था, उसमें भी इन्हें कुछ नहीं मिला। जो परसों आदेश जिला जज महोदय के यहाँ से हुआ है एएसआई सर्वे और ग्राउंड पेनिट्रेटिव रडार सर्वे के लिए, उसको भी इन्होंने उच्चतम न्यायालय के समक्ष चैलेंज किया है, मेंशनिंग की गई है। अब इतनी तो कोई जल्दी थी नहीं, सत्य और तथ्य को सामने आ जाना चाहिए था। मुस्लिम पक्ष ने गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट का 19 मई का आदेश ही बहाल रखा जाए, जिसमें अगले आदेश तक एएसआई सर्वेक्षण को टालने की बात कही गई है। अब सबकी निगाहें सोमवार यानी कल सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। हालांकि सियासत करने वाले इस पर भी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।